हेलो फ्रेंड्स, आज हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। हम एनटीए नेट एग्ज़ाम पेपर वन की मैं आपको कोचिंग करा रही हूँ, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड पेपर टू हम कॉमर्स कर रहे हैं। तो अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछा गया है, ए मैसेज कैन ओनली बी डीम्ड इफेक्टिव व्हेन। एक मैसेज है, जैसे कि आपने एक मैसेज सेंड किया है, उसको आप कब इफेक्टिव मान रहे हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो जब सबसे पहले आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले जो है इस मैसेज का मतलब क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक मैसेज है उसको हम इफेक्टिव कब मानेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर चार ऑप्शन है। नंबर वन इज डिलीवर्ड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि जब आप दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है, सेंडर और जो रिसीवर है वो बात कर रहे हैं आपस में, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के टाइम पे हमारा मैसेज इफेक्टिव माना जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमें ये बता रहा है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि अंडरस्टूड बाय द रिसीवर एंड द प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि जो इसने मैसेज सेंड किया था उसको जो रिसीवर समझ गया है और इसने क्या है डिजायर्ड फीडबैक या रिजल्ट उसके ऊपर दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर यूज्ड, वहाँ जहाँ उस मैसेज को हम अच्छा मानेंगे जिसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल किया गया है, हर चीज़ का जो है प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह फॉलो किया गया है, हर चीज़ उसने फॉलो किया। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, रिपीटेड बैक एज प्रूफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको आप बार बार जो है रिपीट कर रहे हैं, बार बार सेंड कर रहे हैं, बार बार रीड कर रहे हैं, तो जब भी प्रूफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप जो है एक अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं उस मैसेज की। तो अब हमारा क्वेश्चन ही क्या था, ये था कि इफेक्टिव मैसेज कब मानेंगे हम, एक मैसेज आपने सेंड किया, मैं उसको कब इफेक्टिव मान सकती हूँ या कब आप जो है उस मैसेज को इफेक्टिव मान सकते हैं। अब जैसे मेरा मैसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं उसको कब इफेक्टिव मान सकती हूँ, तो इसके अंदर क्या हमारा ऑप्शन सही रहेगा। लास्ट जो ऑप्शन है वो गलत है, जब आप मैसेज को ही बार बार रिपीट जो करे जा रहे हैं, रिपीट यानी कि एक जैसे लाइन है, मान लेते हैं कुछ भी लाइन है, आई एम फाइन लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने लाइन यूज़ किया आई एम फाइन, और आप क्या कर रहे हो इसको 5 बार रीड किए जा रहे हो समझने के लिए कि ये F9 क्या होता है, आपको समझ ही नहीं आया, तो ऐसा मैसेज हमारा अच्छा होगा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ किया, और एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा ही ये प्रूव नहीं करेंगे कि हमारा मैसेज भी अच्छा हो, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। डिलीवर्ड इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हर कम्युनिकेशन में जो है हमारा मैसेज इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होती हैं, उनमें हम नॉर्मली हाय हेलो करते रहते हैं, तो उसमें हमारा मैसेज कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही है सेकेंड ऑप्शन, अंडरस्टूड बाय द रिसीवर एंड द प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि जो हमारा सेंडर मैसेज भेजना चाहता था ना, वही उस रिसीवर ने समझ लिया है उसको, और उसके ऊपर जो वो फीडबैक दे रहा है, जो वो उसकी प्रतिक्रिया कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, वो सेम दे रहा है जो सेंडर को चाहिए था, तो ऐसा मैसेज हम इफेक्टिव मानेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।